हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लांट स्पेसिफिका। मैं प्रशांत सेठा। आज हम अपनी मल्याना वाली साइट पे है। यहाँ पे हमारे जो है रूट स्टॉक प्रोपगेशन होता है। तो इस वक्त जो है हम साइट नंबर 1 पे है और इस वीडियो में हम आपको अपनी 4 साइटें दिखाएंगे और चारों साइट्स पे हमारे पास जितने भी रूट स्टॉक्स अवेलेबल है उसका भी जो है स्टेटस हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो रूट स्टॉक है आपको जैसे कि दिख रहा है ये छोटा लेकिन काफ़ी मोटा है। ये है M9, ये M9 रूट स्टॉक है, M9T337, जिसके मदर ट्रीज हमने जेंसन ब्रदर्स से इंपोर्ट किए थे। तो ये जो दो खेत है, इन दोनों खेतों में आप देख रहे हो ये M9T337 है। इनकी बुकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट 50% जो है हमारे पास स्टॉक M9 का बुक हो चुका है। और जो हमारा रूट स्टॉक है M9, हमारे पास M9 और M7 दोनों ही हमारे पास क्वांटिटी में काफ़ी कम है। पर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आप देख सकते हो इसमें ये जो पूरे प्लांट्स है बिल्कुल हेल्दी है, इसमें किसी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है। और जो थिकनेस है वो आप देखिए, मिनिमम थिकनेस जो है हमारी पेंसिल साइज है, ये अराउंड 6 mm है और ये हमारा 8 mm का रूट स्टॉक अभी डेवलप हो चुका है। जबकि एक्चुअल थिकनेस जो है रूट स्टॉक इसके बाद जब इसमें ग्रोथ लेना शुरू बंद करता है उसके बाद ही इसमें ग्रोथ थिकनेस आना शुरू होती है। ये देखिए आप जो मदर ट्री से ये निकले हुए हैं, ये आप देखिए रूट स्टॉक, एक ये भी देखिए। मैक्सिमम रूट स्टॉक जो है हमारे, जो हमने इस बार प्रॉमिस किया है कि लास्ट ईयर की तरह ही हम ग्रेड करके 8 mm प्लस का जो रूट स्टॉक्स है वही सेल करेंगे। तो ये जितने भी रूट स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये हम ये होप कर रहे हैं कि ये विद इन अ मंथ उस ग्रेड के रूट स्टॉक सारे के सारे डेवलप हो। जहाँ खड़े हैं ये खेत है हमारा M7 का, और जैसे कि आप देख पा रहे हो M7 एक ऐसा रूट स्टॉक है जिसका ग्रोइंग पैटर्न दूसरे रूट स्टॉक से बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो स्किन कलर है वो डार्क ग्रे कलर का है और ये जो है इसमें फैदरिंग बहुत कम होती है और ये सीधा ही पतला सा ग्रोथ ऊपर को निकालता है। आप देखिए इसमें भी हमारे पास जो है इस वक्त 8 mm टू 10 mm की थिकनेस आ चुकी है। पर जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें हमारा जो है थिकनेस कम रहती है, ये सिर्फ हाइट काफ़ी ज़्यादा अटेन करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारा ये आप देख रहे हैं M7 रूट स्टॉक है, ये भी लगभग अभी M9 के मुकाबले इसमें थिकनेस कम है, लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड साइज़ का हो चुका है। जो ये साइज आप देख रहे हो, ये छोटे वाले पतले साइज, इस साइज का रूट स्टॉक हम किसी को नहीं सेल करेंगे। ये रूट स्टॉक हम अपने पास रखेंगे। हमारा जो ये स्टैंडर्ड साइज है 8 mm प्लस का, कुछ इस तरह का साइज होगा ये। तो अब जो हम आपको दिखा रहे हैं ये रूट स्टॉक है MM111, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस रूट स्टॉक का ग्रोइंग पैटर्न क्या है। इसमें छोटे छोटे कांटे या फिर फेदर्स टाइप के फेदर्स टाइप डेवलप होते हैं। कुछ रूट स्टॉक्स में ये काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं कुछ साइड्स पे। तो ये रूट स्टॉक सबसे ज़्यादा डिमांड में है, सेमी विगरस रूट स्टॉक है और इसका स्टॉक हमारे पास अभी काफ़ी अवेलेबल है। ये जो रूट स्टॉक है ये भी सेम आपका उसी ग्रेड में फार्मर्स को दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है इस वक्त अपनी 8 mm की थिकनेस को अटेन कर चुका है और इसमें भी पतले रूट स्टॉक्स भी काफ़ी है। तो जो ये रूट स्टॉक है, अगर आपको किसी को इस रूट स्टॉक की रिक्वायरमेंट है तो इसका स्टॉक अभी हमारे पास काफ़ी पड़ा है। आप बल्क ऑर्डर्स के लिए भी 111 के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये हमारी साइट नंबर 2 है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 खेत, 4 खेत में जो है MM111 लगा है। ये भी वही है जेंसन ब्रदर्स से हमने इंपोर्ट किया था। तो MM111 का दूसरा ब्लॉक ये है। यहाँ पे हमारे अराउंड 2500 मदर ट्रीज लगे हैं, 111 के ही है। और इसके साथ में जो आप नीचे देख रहे हो, अगर आप वीडियो में ठीक से देख पा रहे हो, तो ये हमारा जो है जिनेवा 41 है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये जिनेवा 41 रूट स्टॉक है। और इसके बाद हम आपको जो अगली साइट नंबर 3 में ले जाएंगे, वहाँ से हम आपको M906 और M9 के बारे में बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास जो है रूट स्टॉक काफ़ी बड़े हो गए हैं। थोड़ा यहाँ क्योंकि ये नाले के साथ का एरिया है तो थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हमारे पास अल्टरन एरिया डेवलप हो गया था, बट अब सब कंट्रोल्ड है।
और जो रूट स्टॉक की थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है। ग्राफ्टेबल रूट स्टॉक्स यहाँ पे सारे तैयार हो जाएंगे। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये एमला 106 है और इसकी जो मदर ट्रीज है वो हमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मिले थे 2022 और 2023 में, और हमने इसके भी अराउंड 2500 मदर ट्रीज हम प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इस रूट स्टॉक की खासियत भी आप देखिए, ये भी M7 की तरह ही विगरसली ग्रो करता है, पतला सा रहता है। इसकी एक और चीज़ है, जैसे आप देख पा रहे हो इसमें काफ़ी सारे सकर्स जो है ये रूट स्टॉक में डेवलप हुए हैं। ये अभी आपको पतले दिख रहे हैं लेकिन जैसे ही इनकी ग्रोथ रुकना शुरू होती है ये उसके बाद थिकनेस अटेन करना शुरू करते हैं। इसके अलावा जो ये हमारी साइट नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे पास दो और रूट स्टॉक है। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वाला, ये जो रूट स्टॉक है ये हमें M116 के नाम से इटली से आया है। ये जो रूट स्टॉक आप देख रहे हैं इसमें जो है जो ओरिजिनल M116 है उससे थोड़ा डिफरेंट है, उस क्योंकि वो हार्ड टू प्रोपोगेट है, ये बहुत इजीली प्रोपोगेट हो रहा है। और हमें ये श्योरिटी नहीं है कि ये कौन सा रूट स्टॉक है, पर जो हमारे पास ओरिजिनल M116 है ये उससे थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंट रूट स्टॉक है, बहुत इजीली प्रोपोगेट होता है, बहुत विगरसली ग्रो करता है। एक ये रूट स्टॉक हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये M9 रूट स्टॉक्स भी अवेलेबल है इसी साइड पे। ये रूट स्टॉक्स इसके अलावा इसके साथ में ही हमारे पास MLA 9 के भी कुछ एक रूट स्टॉक्स अवेलेबल है, वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है, पर ये M9P337 है। ये जो रूट स्टॉक है वो रूट स्टॉक हमें जेनसन ब्रदर्स से मिला है, और जैसे हमने आपको पहली वीडियो में दिखाया था ये छोटा है लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो कम है लेकिन इसमें थिकनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये थोड़ा हमारी जो साइट है ये थोड़ी शेडी पोर्शन है और यहाँ शेडी होने की वजह से मॉइस्चर काफ़ी होल्ड रहता है, और जो MLA 106 है इसमें अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये मदर ट्रीज है, इसमें अभी तक रूट रॉट या कोई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम आई नहीं है, जबकि यहाँ पर वाटर लॉजिंग भी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस तरह की मिट्टी है। तो इसमें हमारे पास M9 116 और आपका MLA 106, ये तीन रूट स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, और थोड़ा हमारे पास MLA 9 भी है, हम आपको उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके कुछ हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं, आप रूट स्टॉक्स देख रहे हैं, ये हमने इस साल प्रोपोगेशन पे डाले हैं। ये हमारी साइट नंबर फोर है और ये हमने इस बार प्रोपोगेशन में डाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये है G214, इसमें भी थिकनेस जो है हमारी अभी 6 to 8 mm के आसपास आ चुकी है। कुछ रूट स्टॉक्स हमारे इससे भी ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, और जो ये रूट स्टॉक है ये माउंट लेरिंग में हमने प्रोपोगेट करने के लिए डाले थे, और इसके अराउंड 2500 मदर ट्रीज हमने प्रोपोगेशन के लिए यूज़ किए हैं। तो इस साल हमारे पास इसके थोड़े कम ही क्लोन्स निकलेंगे, अराउंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10,000 रूट स्टॉक जिनेवा सीरीज़ के निकलेंगे। इस पूरे खेत में जिनेवा सीरीज़ है, इसके नीचे भी हमने जिनेवा सीरीज रूट स्टॉक्स को प्रोपोगेट किया है। तो हमारे पास जो मेनली जिनेवा सीरीज़ में अवेलेबल है वो 214 है और 202 और 202 और G41, ये दो रूट स्टॉक्स भी इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है, पर 202 हमारे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, उसका स्टॉक पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। G41 हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास जो मेनली है वो G214 है, और हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जितना भी निकलता है हमारे पास इसको हम अपने लिए प्लांट्स तैयार करने के लिए रखेंगे, इस पर हम प्लांट्स तैयार करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो जिनेवा सीरीज रूट स्टॉक्स आप देख रहे हैं ये सेम साइट्स पे लगाए जहाँ पे MLA 106, M9 111 लगा हुआ है और M116 भी लगा है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे इसकी जो लीव्स है इस पर किसी तरह का इन्फेक्शन विजिबल नहीं है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश लीव्स है, जबकि जो हमारे दूसरे रूट स्टॉक्स हैं उसमें अल्टरनेरिया की थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे लगता है ये हमें अभी हालांकि ये ट्रायल पे ही है, हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि क्या इस रूट स्टॉक में फंगल इन्फेक्शन के लिए फोलियज पे
क्या डिजीज रेजिस्टेंस है, ये भी हमें नोटिस करने की ज़रूरत है इसमें। पर सो फार ये हमारे पास काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है नर्सरी में, क्योंकि लगा भी ये लेट था, हमने ये अप्रैल में ये मदर ट्रीज प्रोपोगेशन के लिए डाले थे, और अभी जो ग्रोथ है जिस हिसाब से इसमें फिटनेस आ रही है तो ये काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है जी। 214 है, हमने इससे पहले भी आपको उसकी वीडियो दिखाई, उस साइड को थोड़ा छोटा रूट स्टॉक है, लेकिन इधर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, इसमें जो है थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, और हम जो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस खेत में वो 10,000 मदर ट्रीज सॉरी रूट स्टॉक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे को भी जिनेवा सीरीज रूट स्टॉक्स लगे हैं, कुछ 106 लगा हुआ है, ऊपर को जिनेवा 202 लगा हुआ है। तो आप जैसे कि मैं कह रहा था, देखिए कोई भी किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन इसमें एकदम फ्रेश इतना विजिबल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश लीव्स है इसके, और इसके जो लीव्स है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे रूट स्टॉक से देखने के लिए, ये देखिए आप। सो किसी को भी अगर G214 की रिक्वायरमेंट है और या इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन उसे चाहिए, तो वो कभी भी हमें हमारे वीडियो में दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।